कितना अमल हुआ है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी पाकिस्तान पर दबाव डालें, इनसे पूछे और बाकायदा इनको न छोड़े, इनका पीछा करें, इनको झंझोड़ते रहे। और इंटरनेशनली भी आप दोस्त भी बुजुर्गान जो है ना, जिस तरह से आप माशाल्लाह वहां पर पूरे दुनिया में, यूरोप में और ममालिक में लिंक्ड, जिस तरह से अभी ये प्रोग्राम भी आपका हो रहा है, हर जगह से दबाव डाला जा सकता है, सफारतखानों को यादाश्तें पेश की जा सकती हैं, हुकूमत पाकिस्तान को लेटर लिखे जा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और एक दिन मसलन क्वेटा के मजलूम शहदा के साथ पूरी दुनिया में हम इसको उठा सकते हैं कि आज तक हुकूमत ने जो वादे किए थे किस किस पर अमल किया है और किस किस पर अमल नहीं किया है। तो हमें इस चीज को यकीनी बनाना चाहिए ताकि हुकूमत वाले दोबारा किसी और मसले में, जो कि आपको पता है पाकिस्तान भी कुल यमन वफीशान की तरह है, आज एक मसले की तरफ तो दोबारा एक बहुत बड़ा बहरान, तीसरा बड़ा बहरान, चौथा बहरान, यहाँ इन्होंने इस मुल्क को ऐसा यानी अजीब किस्म का बुरानी मुल्क बना दिया हुआ है, एक इस्तकरार नहीं है, ठहराव नहीं है। अगर ये दहशतगर्दों के खिलाफ एडहॉक बेस पर कार्रवाइयां ना करें, तवज्जो दहशतगर्दों के खिलाफ हो, और जो तो फिर मेरे ख्याल में इस तरह की कार्रवाइयां भी दुश्मन शायद इस तरह से कामयाब भी ना हो कि जब उनको फिक्र लगी रहे कि हमारे पीछे पीछा किया जा रहा है, हमें नहीं छोड़ा जा रहा, तो उस वक्त वो फिर अपने आप को बचाएंगे ना कि इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे। लेकिन जब उनसे गफलत की जाती है और चीजें अहमियत इख्तियार कर जाती हैं और दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन की तरफ चली जाती हैं और हमारे सारे इदारे पॉलिटिकल चीजों को जो है ना सेटलमेंट में लग जाते हैं और इस तरफ उनकी तवज्जो जाती है सारी की सारी एजेंसीज, तो उस वक्त मुश्किलात पैदा हो जाती है और ये गहरे घाव दुश्मन से गफलत से फायदा उठाकर लगाता है हमें। तो माशाल्लाह आप दोस्तों का शुक्रिया, आपने जहमत की है, इससे पहले भी आप जहमत करते रहते हैं। और पाकिस्तान में जहां तक बास दोस्त यहाँ पर कह रहे थे जी कि वहां पर पाकिस्तान में इत्तेहाद इत्तफाक होना चाहिए, हर कोई ये कहता है इत्तेहाद इत्तफाक होना चाहिए, इत्तेहाद इत्तफाक काम करने के लिए होना चाहिए, किसी ने किसी का काम नहीं रोका हुआ है, कोई किसी को नहीं कहता कि आप बाहर ना निकले, कोई किसी को नहीं रोकता है। ये शोदा के हवाले से सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे जाकरीन पाकिस्तान के तमाम जाकरीन और कुतबा वो धरनों में आए, उन्होंने खिताबात किए, उनको किसी ने नहीं रोका, सब लोग आए, सियासी लोग आए, हत्ता हुकूमत की पार्टी के लोग आए धरनों के अंदर, इनके जिम्मेदार आए धरनों के अंदर, धरने शोदा के लिए थे, किसी जमात के धरने नहीं थे, किसी जमात के लिए नहीं थे। मेरे ख्याल में इकट्ठे हुआ जा सकता है, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता, काम करने के लिए यूनिटी चाहिए, इत्तेहाद और वादत कामों को बेहतर करने के लिए चाहिए, और इससे किसी को भी मेरे ख्याल में इख्तलाफ नहीं हो सकता, दुरुस्त है, किसी को भी नहीं हो सकता। और आपने देखा कम अज कम मजलिस वादत की तरफ से कभी भी इस हवाले से मैं पूरे इत्मीनान के साथ कह सकता हूँ, एतमाद के साथ कह सकता हूँ, आपको यकीनदानी करा सकता हूँ कि खुदा ना खास्ता कभी भी इसके बारे में हम नहीं चाहते कि ना हो, ना होना चाहिए, मिलना चाहिए। जो पिंडी इस्लामाबाद में एक जब वो वाक़ हुआ था इस्लामाबाद में, तो उलमा का जो इज्तमा हुआ था वो मजलिस ने करना था, मजलिस वर्द ने करना था, मैं खुद गया था बुजुर्गों के पास, उन्होंने कहा था कि आप करें, हम आपका साथ देंगे, ठीक है, उन्होंने किया, हमने उनका साथ दिया। हमारी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं है खुदा ना खासा कि कोई किसी नाम नमूद की बात है, ऐसा नहीं है, हमारे हम जाने को तैयार है, मिलने को तैयार है। मैंने बाद बुजुर्गों को टेलीफोन किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा फिर हमारा मिलने का प्रोग्राम नहीं है, जब इंशाल्लाह हम मिले तो आपसे पहले आपसे मिलेंगे। तो ऐसा है कि हमारी तो कोशिश है कि मैं चला जाता हूँ, लाहौर चला जाता हूँ, इस्लामाबाद, हम तो किसी से भी वो नहीं है, वो खुदा ना खास्ता वो नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमारे दोस्तों को भी चाहिए कि सबको एक लाठी से नांगा करें, कुली बात करना मुनासिब हो ठीक है होना चाहिए, लेकिन बिलाकर आप ये भी कहें कि इस सब बुजुर्गों का काम है इत्तफाक इताद करना, बुजुर्गों का काम है इत्तफाक इताद के लिए बुलाना, बुजुर्ग कहें हमने बुलाया है और नहीं आए फिर बात की जाए, ठीक है ना। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम बुजुर्गों का एहतराम भी करते हैं, हमारे बड़े हैं, हमने हर जगह कहा है, अगर हत्ता हुकूमत के साथ उनकी बातचीत होती है, बाज़ औक़ात हम यही कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो फैसला करेंगे वो हमारा होगा। बहुत शुक्रिया, आप जाए बुजुर्गों को राजी करें, हमारे लिए वाकई काबिल एहतराम है बुजुर्गान हमारे, और हमें जब भी वो बुलाएंगे हम उनके पास जाएंगे, हम वैसे ना बुलाएं फिर भी जाते हैं,
ऐसा नहीं है। तो बाज दोस्तों को पता नहीं चलता कि मुमकिन है कि ये अमांगे नहीं है, ऐसा नहीं है कि अमांगे ना हो, दुरुस्त है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मेरा हमारा आपस में बहुत क्लोज रहा रहता है, बहुत क्लोज रहा रहता है, बहुत ज्यादा है। और आपने देखा होगा कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई ऐसी बदमजगी नहीं पैदा हुई, आपस में कोई ऐसा खुदा न खास्ता कोई बड़ा इख्तलाफ और मसला पैदा नहीं हुआ। ये शहदा के खून का असर है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आइंदा और बेहतर होंगे, बहुत और बेहतरी आएंगी। बुजुर्ग हमारे ना हो गोया हमारे सर पर साया नहीं है, एक शफीक हाथ हमारे सरों पर नहीं है, और हम उनको अपने लिए एक शफीक बुजुर्ग और बड़े की हैसियत समझते हैं, उनको लाजिम उल एहतराम समझते हैं और एहतराम करते हैं। तो अमीर हुसैन शाह साहब की खिदमत में अर्ज यह है कि हम बुजुर्गों के एहतराम करने वाले हैं इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि आपको ये चीजें जो है ना आपके लिए अच्छी खबर भी होंगी। और मैं उनके पास जाता हूँ, ना जा सकूं मैं टेलीफोन करता हूँ, बाज़ औक़ात वो मसरूफ होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा मैंने टेलीफोन किया, उनका फिलहाल मसरूफ है नहीं है, तो जो ही वक्त निकलता है मैं पहले आपसे मिलता हूँ, इस तरह से हो जाती है बात इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अगर रिज़वी को, आपको, नजम को, जितने भी रफ़कार दोस्त हैं, आपको मान में रखे, और बहुत दुख है आग खिलाफ फ़यार घटी है, इंशाल्लाह ये फ़यार भी खत्म हो जाएगी और खुदा मुताल जो है ना इन इब्तलाओं से हमें निकालेगा। एक वक्त आएगा कि ये सिलसिले खत्म होंगे, देखें वो हमारी ज्यादा, फिर वो जो अच्छा बोलने वाला है उससे भी वो घबराते हैं, ठीक है ना। बाकायदा इस वक्त उनकी प्रोग्राम ये है कि डरते हैं प्रोग्रामों से, दुश्मन परेशान है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ एक बात कि बाकायदा इंटरनेशनली रीजनली अरब शेख हुक्मरानों की तरफ से बाकायदा डिमांड है कि पाकिस्तान में शियों को परेशान रखना है, बाकायदा प्लान है, यकीन से कह रहा हूं, ये प्लान है कि इनकी जिम्मेदारी को लिमिटेड और महदूद करना है, ये प्लान है कि इनको परेशान रखना है, इनकी बस भी ताकत को कम करना है, प्लान है। इसीलिए हमने कहा था कि अरबईन इनको निकलना है, क्योंकि मुझे पता था कि ये करना चाहते हैं, लिहाजा इनको जवाब देंगे अरबईन पर, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हमने जवाब दिया है, और ये मरहला भी गुजर जाएगा। 1400 साल से हम मुश्किल देखते आए हैं, और हम ना कभी घबराते हैं, ना बेचैन होते हैं, ना हमारे हाथ पांव फूलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत से, तदबीर से, शुजात से, हौसले के साथ, सब्र के साथ हमारी कौम इनका मुकाबला करती है और दुश्मन के मंसूबों को और साजिशों को नाकाम बनाती है। मैं काफी देर से बैठा हुआ था, शुक्रिया आजान, और आला साहब ने मुझे कहा था कि मैं रिकॉर्ड करके कुछ भेज दूं, मेरे दर में था कि नहीं मैं लाइव खुद बैठूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम, ये तो थी हज़रत हुज्जतुल्लाह मुस्लिमीन क़िबला राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, मजलिस वाहदत मुस्लिमीन के सरबरा, आज इन्होंने टाइम निकाला और हम नहायत तहे दिल के साथ इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। हमारे साथ एक और मेहमान गिरामी मौजूद हैं, काफी देर से उनको हमने बिठा रखा है और वो हमारे साथ मौजूद हैं, हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हाशिम मुसवी साहब। अगरचे इन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा था, लेकिन बहरहाल लाइव जब मौजूद हैं तो जाहिर है कि हम इनके मुख्तसर सा पैगाम जो है लाइव सुनना चाहते हैं। ये माशाल्लाह मेरे से वाहदत मुस्लिमीन से भी इनका ताल्लुक है और खास तौर पर इमाम जुमा व जमात क्वेटा भी हैं। बिस्मिल्लाह क़िबला मौलाना सैयद हाशिम मुसवी साहब। العلي العظيم نعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها واللعنة على مستحقيها। मैं सबसे पहले आपका जनाब शेख जाफर नजम साहब और आगा रिज़वी और आपके दिगर दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मजलूमीन के आवाज़ को पहुंचाने के लिए आपने ये सिलसिले का बंदोबस्त करवाया। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गान की खिदमत में ये अर्ज है मेरी कि शहादत जिस तरह के कहा जाता है, शहादत हुनर मर्दान खुदास्त, खुशाबहाल हो उन अशखास का, उन अफराद का जो शहादत के जरिए से इस दुनिया से चले जाते हैं, और यकीनन उनके ऊपर हम जैसों को रश्क आना चाहिए और रश्क आता भी है कि वो उन मुकामात को हासिल कर गए और
मुझ जैसा अभी तक उस अजीम हिस्से उस अजीम मर्तबत को हासिल करने के सिलसिले में मैं महरूम रहा हूँ। अजारा कौम जो क्वेटा में पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, और अगर कोई हुकूमती या गैर हुकूमती इदारा इस सिलसिले में तहकीक भी करना चाहे तो वो तहकीक भी कर सकते हैं और इसी ही नतीजे पर पहुंच सकता है जिसको मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हजारा कौम अपने आबादी के तनासुब से सबसे ज्यादा पाकिस्तान की खिदमत करने वाले कौम यही हजारा कौम ही है। 65 के जंग में जनाब जनरल मोहम्मद मुसा खान हजारा और खेल के मैदान में आगा सैयद इब्रार और सैयद इब्रार हुसैन के बारे में इतना कहूँ कि वो ओलंपियन बॉक्सर थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले। तालीम के मैदान में बहुत सारे हमारे जोमा और बुजुर्गान गुजरे हैं और फिलहाल भी खिदमत में मसरूफ है। बहुत सारे इदारों में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हजारा कौम का हिस्सा शामिल है, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वतन के इस बावफा फर्जंद के साथ नारवा सलूक रखा गया है। तकरीबन 22 सालों में हमारे 2000 के शहादा हुए हैं। एक तो हमारे ऊपर जो दहशतगर्दी हुई उस सिलसिले में सिक्योरिटी की जो बंदोबस्ती वो सही तरीके से नहीं हुई, और उसके बाद जो एक बहुत बड़ा नुक्ता है और बहुत अफसोस का मुकाम है वो ये है कि 2,500 अफराद जो शहीद कर दिए हैं उनके कातिलों के हवाले से कोई शफाफ अदालती सिलसिला पेश नहीं हुआ है। पिछले दिनों एक मीटिंग में एक बहुत बड़े फौजी अफसर के साथ जब इस सिलसिले में हमारी बात हुई, मैंने उनको कहा कि हमारे 2000 जो शहदा हुए हैं इस 22 सालों में उनके कातिलों के साथ आपने क्या किया, रियासत जो हमारी माँ है उस माँ से ये हमारा मुतालबा जरूर रहेगा और ये बरहक मुतालबा है कि हमारे उस कातिलों को आप कैफर किरदार तक पहुंचा दे। लेकिन उस सिलसिले में मैं खुद एक शहीद फैमिली से मेरा ताल्लुक है, मेरा भतीजा 2009 आगा से जवाद मुसवी के नाम से शहीद कर दिए गए थे। मुझे शहीद के फैमिली होने के नाते उनके कातिल के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता कि उनका कातिल कौन था। वो पकड़ा गया, वो मारा गया, उसको सजा हुई या ना हुई। जब मैंने इस नुक्ते को उस फौजी अफसर को बताया तो उसने मेरे जवाब में कहा कि हमने बहुत सारे दहशतगर्दों को आसिल जहनम कर चुके हैं। मैंने उनको दाद दी, मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन शरीयत की रूह से भी और कानून की रूह से भी जब कोई मकतूल कत्ल होता है तो उसके वरसा को उनके कातिल के सिलसिले में मालूमात होनी चाहिए कि उन्हें कैफर किरदार पहुंचा दी गई है ना, ताकि तशफी हो, ताकि वरसा को तसल्ली हो, हमें तो कोई नहीं पता। इसके अलावा एक रियासत को, एक कामयाब रियासत को, हाँ पाकिस्तान हमारा वतन है, हम इस पर मर मटने के लिए तैयार हैं, हमारी कुर्बानियां जिस तरह के मैंने इशारा किया इस वतन के लिए है, लेकिन उधर से पाकिस्तानी रियासत से हमारा यही मुतालबा कि शफाफ अदालती निजाम यहां पर हो, जो भी मुजरिम हो, दहशतगर्द हो, अगर उसे करार वाखी सजा दिया जाए तो जिस तरह कुरान फरमाता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, यकीनन इससे फिर जिंदगी मिलती है, बहुत सारी जिंदगी बच जाती है अगर रियासत इस काम को अंजाम दे। लिहाजा ये यही नुकता और शहदाए मच के हवाले से आपकी खिदमत में यू अर्ज करूं कि कोयले के कान में काम करने वाले जो मजदूर जाते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब और लाचार किस्म के लोग होते हैं।
शायद आप में से अक्सर को कोयले के खान में काम करने का अंदाजा नहीं। मैं एक मरतबा वहां गया था, पहाड़ के अंदर कोई तकरीबन 300-400 मीटर सीधा इंसान को जाना होता है, फिर उतराई आती है 200-300 मीटर बिल्कुल जमीन के अंदर, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहां पर ये लोग बहुत ही खतरे के साथ, जहां इंसान को खौफ महसूस होता है, जाकर काम करते हैं। और उस रात को वो अपने उन ज़ईफ बदनों के साथ, चूर चूर और थकावट के साथ आकर आराम कर रहे थे एक मिट्टी के बने हुए कमरों में, और दहशत गर्द आता है और इस तरह से एक अजीब काम उनसे सरजद होता है, जो उनकी पस्त फितरती और उनके खबासत और उनके इंसानियत से दूरी की निशानी हो सकती है, और वो शहीद कर दिए जाते हैं। यकीनन खुदा के यहाँ उनका खास मुकाम है, और उनके खून पाक में तासीर थी कि पूरे पाकिस्तान में एक बार फिर, बल्कि पूरी दुनिया में मोमिनीन को उन्होंने ख्वाब गफलत से जगाने की कोशिश की। और इंशाल्लाह जिस तरह के हमारे दोस्तों ने भी फरमाया, ये वाकयात गर्चे के तल्ख भी है, लेकिन इन शुहदा के मुकद्दस लहू की रोशनी में जमीन ज़ुहूर भी फराहम होगा। ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, जिस तरह के मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस जैसे काम करने वालों को देखकर इंसान के दिल में दो जज्बा पैदा होता है। एक जज्बा ये कि ये कितने काबिल रहम है, कितने गरीब है, कितने लाचार है, कि कहीं भी इनको काम करने के लिए फुर्सत नहीं मिली, अपना रिस्क रोजी ये कहीं और से नहीं हासिल कर सके, और मजबूर होकर इस खौफ और इस सख्त काम के अंजाम के ऊपर ये अपने आप को मजबूर कर गए। दूसरा जज्बा जो इंसान के दिल में आता है वो कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने अजीम लोग हैं, ये खुदा न खास्ता गदागरी भी कर सकते थे, चोरी और जराइम के जरिए भी अपने रिस्क को रोजी को तलाश कर सकते थे, लेकिन उन चीजों को छोड़कर रिस्क हलाल के हुसूल के लिए ऐसे सख्त काम पर भी मामूर हो गए। यही पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, चूंकि कोशिश ये है कि मुख्तसर बात हो। मोमिनीन की जानिब से हमारे शुहदा के लवाहकीन के इमदाद हुए होंगे, बास का मुझे इल्म भी है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि अगर मेरी आवाज पहुंच रही है जनाब शेख साहब? आ रही आवाज जी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अगर ये, चूंकि एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है, यहाँ पर बहुत सारे जुआमा तशरीफ फरमा है पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान से बाहर दिगर भी, जुआमा मेरी बात और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो अगर हम क्वेटा के मोमिनीन जो इन जैसे कामों के ऊपर मजबूर है, इनके लिए अगर हम कोई कारखाने और नखाने का बंदोबस्त कर सके, तो बहुत सारे जानों को हमने मुस्तकबिल में भी महफूज कर दिया। चूंकि अब भी तकरीबन कोई 5 से 6 हजार अफराद उन्हीं खानों में काम कर रहे हैं, उन्हीं खतरों के साथ, अंदरूनी खतरा यानी उस खानों के अंदर जो खतरे हैं, जो खौफ है, वो अपनी जगह पर, और दहशतगर्दी का भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा अब भी है। और ये जो शहीद की वालिदा ने, बीबी आमना ने जो फरमाई के शुहदा के कातिल गिरफ्तार नहीं हुए हैं, मैं रुकने कमेटी के नाते इंशाल्लाह हमारी जल्द इस सिलसिले में मीटिंग होगी और हम हुकाम से बात करेंगे और मुतालबा करेंगे। यही वो चीज थी जिसके ऊपर हम इशार कर रहे थे कि हमें तहफ़ुज़ दिया जाए, हमें जीने का हक मिल जाए जो आज तक नहीं मिला, और माजी में जो वादे हो गए थे वो अक्सर दरे के दरे रह गए। अलबत्ता इस मरतबा बाज इकदाम जो हुए थे उनकी नोटिफिकेशन जारी हुए, कुछ अमली इकदाम हुए जो जिसको नादिदानी रखा जा सकता, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी बात कातिलों की गिरफ्तारी है और दहशतगर्दों के साथ आहनी पंजों से निपटना है कि
उस सिलसिले में हम इंशाल्लाह हुकम से बात करेंगे। एक बार फिर आप सब दोस्तों का और जनाब शेख साहब आपका